हेलो दोस्तों, जय श्री राम। होमपति ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बना रहे हम नाश्ता, बना रहे सूजी चावल का आटे का। इसमें डालेंगे चावल का आटा, इसमें डालेंगे सूजी, इसमें डालेंगे दही, डालेंगे लहसुन का पेस्ट, इसमें डालेंगे पानी, दोस्तों एक पाउच इनो का डाल दे, इसके अंदर डालेंगे पानी, इसके ऊपर इसमें डालेंगे नमक, दोस्तों इसमें डाल देते हैं सरसों, और इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, कटा ले, इस पे लगा लेते थोड़ा तेल, अब डालेंगे इस प्लेट के अंदर, अब डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी लाल मिर्ची, रखेंगे दोस्तों भाप के अंदर ताकि इसके अंदर भाप लग जाए। दोस्तों एक तरह से नमकीन केक बना रहे हैं सूजी और चावल के आटे का। अब इसको ढक देते हैं। दोस्तों अब इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखना है स्टीम के अंदर। हल्का सूजी का जो बना रहे हैं ना पास्ते, उसके नाश्ते की तरह, तो उसमें चटनी बनाएंगे उसके लिए। तो चटनी में डालेंगे लहसुन, दोस्तों ये वाली मिर्ची डालेंगे, ये तेज वाली है तो इसको थोड़ी डालेंगे, और कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे ताकि कलर हो जाए इसके अंदर, और लहसुन के अंदर ही मिला लेते हैं। इसमें डाले थोड़ा तेल, अब इसमें डाल लेते हैं जो मसाला बनाई मैंने, लहसुन का, लाल मिर्ची पाउडर का, इनका
इसमें डाली नमक, दोस्तों हमारी चटनी तैयार है। अब इसको गैस को बंद कर देती हूँ। दोस्तों हमने तो ये बनाए थे सीधा एकदम, अभी है ना उसके पतीले के अंदर रखे ना कढ़ाई के अंदर, तो ये टेढ़ा होके सारे एक जगह आ गया, सारा एक जगह हो गया अभी ये। सारा इकट्ठा होके ऐसा हो गया, एक ही जगह इकट्ठा हो गया सारा। दिखने में तो टेस्टी लग रहा है वैसे भी दोस्तों, खाने में अच्छा लगेगा ये, लेकिन ये टेढ़ा हो गया सारा। देखिए दोस्तों कितना स्पंची सा बना, स्पंची देखो कितना है सॉफ्ट है एकदम, दिखने में एकदम सॉफ्ट है दोस्तों। बस हमारा ही खट्टा ही हो गया सारा ये। दोस्तों हमारा सूजी और चावल से तैयार किया गया केक तैयार है, साथ में रेड स्पाइसी चटनी भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।